नमस्कार। राजधानी देहरादून में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुबोध उनियाल के नकारापन एवं ढींगा मस्ती के चलते विकासनगर क्षेत्रांगत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन क्रियाएं संचालित होने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 14/2/2024 को तत्काल उक्त संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद कराने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालना करने में नाकाम हो चुके वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल जिस तरह से आसन कंजर्वेशन रिजर्व में वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो स्टोन क्रेशर की हो, चाहे स्क्रीनिंग प्लांट हो, तमाम खनन पट्टी की बात हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो तमाम रात दिन ये काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ इस मामले में जो वन पर्यावरण मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनको तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हम सिर्फ इस्तीफा ही मांग सकते हैं और सरकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी स्पष्ट कहा था मैं कानून की रक्षा करूँगा, संविधान की रक्षा करूँगा, लेकिन आज जिस तरह से नियम तार तार हो रहे हैं, पूरे के पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश की, और इस तरह से एक तरह से ये वायलेशन जो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो स्टैंडिंग कमेटी उसकी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसका भी वायलेशन है, तो ये पूरे के पूरे जो धज्जियाँ उड़ाने का जो काम करा है इसका सारा का सारा श्रेय श्री सुबोध उनियाल जी को जाता है। और हम इसमें राजभवन से भी मांग करते हैं कि आप इसमें संज्ञान लें, सरकार से इस बात की वो करते हैं मांग कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनको बर्खास्त किया ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को उत्तराखंड से ही बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश की अनुपालना नहीं हो रही है, आप समझ सकते हैं क्या दुर्भाग्य इस प्रदेश का, ऐसे मंत्री का क्या करना है जो अपनी वन संपदा को नहीं बचा पा रहे, पूरा का पूरा जो आप तांडव देख रहे हैं, पूरे का पूरे जो वायलेशन हो रहा है, अगर एक गरीब आदमी छोटा मोटा कोई मकान बना लेता है, दो कमरे बना लेता है, तो उसमें दून घाटी MDDA का आ जाता मामला, लेकिन जहाँ पूरा नदियों का सीना चीरा जा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको बाहर का रास्ता दिखाएं, इनकी कोई जरूरत इस प्रदेश में नहीं है।